भक्तों जय माता दी। अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ की प्राचीन गुफा के बारे में जरूर जान लें। आखिर कब और कितने समय खुलती है? आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाली है और आपको बताऊंगा इस प्राचीन गुफा का महत्व क्या है और इसकी टाइमिंग्स को लेके क्या रहता है श्राइन बोर्ड का बंदोबस्त और हम किस समय जाएं ताकि हमें चांसेस ज़्यादा हों। वैसे तो बताएं कि जब तक आपके ऊपर कृपा ना रहे माता रानी की तब तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चेक नहीं चलता है। आप कितनी मर्जी अप्रोच लगा लो जब गुफा खुलेगी तभी दर्शन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। तो दर्शन बहुत सौभाग्य से मिलता है तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आई थिंक आपको जरूर मिलेगा और अगर आपको नहीं भी मिल पाता तो उसमें भी कुछ माता रानी का कुछ छुपा होगा आशीर्वाद जो कि शायद माइट भी अगले वर्ष के लिए हो। हालांकि बता दूं मैं अपने जीवन काल में मैं भी कई बार गया हूं, सौभाग्य से मुझे भी दर्शन प्राप्त हुए हैं और मैं अभी 22 तारीख को फिर जा रहा हूं तो देखते हैं कि दर्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। और ये मेरा जो है साल का पहला टूर है, पहली यात्रा है इस जनवरी महीने की माता वैष्णो देवी के दरबार की। सो बताना चाहूँगा आपको इस गुफा के बारे में कि भारत में हर साल लाखों लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और इनमें से एक है माता वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। अगर आप भी माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो त्रिकुट पर्वत पर स्थित एक प्राचीन गुफा है जिनका दर्शन बिल्कुल करना ना भूलिएगा। और हालांकि उसके अंदर दर्शन करने के लिए एक जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है जो कि सन 1977 में बनाया गया था रश को देखते हुए, लेकिन अगर आप लकीली सौभाग्य से अगर आप प्राचीन गुफा के दर्शन कर पाएँ तो उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। बता दूँ आपको ये गुफा जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 13 किलोमीटर तक की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो कि शुरू होती है कटरा से, जिसके लिए हमें दो मार्ग फॉलो करने पड़ते हैं, एक वाया ताराकोट मार्ग और एक वाया जो चलता है बानंगा होके। अगर आप भी माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जानिए ये प्राचीन गुफा कब और कितने बजे खुलती है। बता दूं कि माँ वैष्णो देवी को त्रिकुटा के नाम से जाना जाता है क्योंकि देवी त्रिकुटा का यहाँ निवास स्थान है। इस पर्वत को त्रिकुटा पर्वत भी कहा जाने लगा है। बहुत ही कम लोगों को प्राचीन गुफा से माता के दरबार में दर्शन जाने का सौभाग्य मिलता है। ये होता कब है और कैसे होता है? 10,000 से कम श्रद्धालु होने पर इस प्राचीन गुफा के द्वार जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और आमतौर पर देखा गया है कि ये जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन से शुरू होते हैं और ये चलता है फरवरी मार्च तक। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि चलता है होली तक, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसका जानकारी नहीं लिखी हुई ऑफिशियल श्राइन बोर्ड की साइट के ऊपर, लेकिन देखा गया है कि मार्च होली तक फिर भी ही रहता है। हाँ, लेकिन अगर हम प्लान कर रहे हैं जनवरी फरवरी के बीच में तो चांसेस बहुत खुल जाते हैं क्योंकि बंदे बहुत कम आते हैं, यात्री बहुत कम आते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए। और अगर आप भी सौभाग्य से अगर वहाँ पहुँचते हैं इन टाइम में और अगर आप लकीली वहाँ पहुँचते हैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। रही बात समय की, तो समय बता दूँ आपको, समय की जो बात है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक और रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। इसमें जो है चांसेस बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए कि उनके दर्शन जो हैं प्राचीन गुफा से हो पाए। माता वैष्णो देवी के दरबार में इस गुफा का बहुत बड़ा महत्व है। ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वह इस गुफा के रास्ते ही दरबार में प्रवेश करें। दरअसल माता ने यहीं पर बाबा भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था जिनसे उनका कटा हुआ सिर तो गया भैरव घाटी में जहाँ पे भैरव मंदिर है और कहा गया है कि यात्रा के बाद दर्शन करना जरूरी होता है नहीं तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो जब उनका सिर कटा और सिर जब गिरा भैरव घाटी पे तो धड़ कहाँ रह गया? धड़ रह गया गुफा के पास ही जहाँ पे उनको मारा गया था। इसीलिए जिसे भी इस गुफा से जाने का मौका मिलता है वह खुद को धन्य मानता है। और गुफा के साथ साथ बता दूँ आपको महत्व है गंगा जल का। यहाँ एक अन्य वजह भी है जो इस गुफा को महत्व को बढ़ाती है। कहते हैं कि इस गुफा में से गंगा जल प्रभावित होता है। इस जल में पवित्र होकर ही श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँचते हैं। वास्तव में जो एक्चुअल में जो है ना हर यात्री के लिए यह एक बहुत ही अद्भुत सा अनुभव होता है क्योंकि कभी देखा नहीं होगा। वैष्णो देवी गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पहाड़ से भी है जिसे अर्धकुंवारी कहते हैं क्योंकि वहाँ से ही माता रानी गर्भजून में 9 महीने रह के वहाँ से निकली थी और उसने आगे यात्रा शुरू की थी कहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने सर काटा था बाबा भैरवनाथ जी का। तो अगर आप सौभाग्य से एंटर करते हैं उस गुफा से जो कि प्राचीन गुफा है, जब हम एंटर करते हैं जहाँ पे देखते हो कि हम लोग सुबह जब आरती होती है तो जहाँ पे दरबार लगा होता है, जहाँ पे भजन गाया आरती वगैरह रहती है, तो वहीं पे एक प्राचीन गुफा है, वहीं से हम एंटर करते हैं। और जब एंटर करेंगे तो आगे जाके जहाँ पे 3 पिंडी स्वरूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली का स्वरूप है माँ वैष्णो, उनके दर्शन होते हैं। और अगर हमें दर्शन नहीं मिलते तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्चुअल दर्शन जो हमारे हैं ना वो तो 3 पिंडी रूपों के हैं, बट प्राचीन गुफा से जाने का जो अनुभव है ना वो पूरा का पूरा ही डिफरेंट है। अदरवाइज वहाँ पे एक व्यवस्था और भी कही गई है क्या कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके वहाँ पे जो रहता है VFX एनिमेशन के थ्रू
थ्रू वहाँ पे प्राचीन गुफा के दर्शन कराए जाते हैं। हालांकि उनकी जो टिकट रहती है आई थिंक 102 रुपये के आसपास है, और वो वहीं पे पेमेंट लेके आप उसके दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप उसको भी पहले कर लेंगे ना, तो उससे भी आपका आइडिया ये हो जाएगा क्या कि आपको एक्चुअल में लग जाएगा पता गुफा के अंदर क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, किनका क्या महत्व है, एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था, तो पूरी हिस्ट्री आपको गो थ्रू हो जाएगी। तो जब अगर आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा, तो जब जाएंगे उस गुफा के थ्रू, तो फिर आपको एक्चुअल पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसका क्या महत्व है, क्योंकि आपने पहले वो चीज़ देख रखी है किसके थ्रू, VFX एनिमेशन के थ्रू। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन गुफा को लेके, और मैं जाने वाला हूँ 22 जनवरी को और मेरी यात्रा स्टार्ट होगी 23 तारीख को। तो जो जो वहाँ पे अपडेट होगा बताऊँगा, और इस बार मैं कुछ नया करने वाला हूँ, ट्राई करूँगा ताराकोट मार्ग से, और सबसे बेस्ट वे वहाँ पे क्या रहेगा और क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे, हर चीज़ आपको बताऊँगा एक से एक चीज़ जो भी वहाँ पे मैं शेयर कर सकूँ, क्योंकि आज तक अभी मैं कटरा में नहीं स्टे करा, क्योंकि जब भी मैंने यात्रा की है मैंने एक दिन में ही किया है, सुबह मैं गया हूँ और शाम को मैं आया हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 5 बजे पहुँचा, मैं साथ साथ ट्रैक शुरू कर दिया और शाम को 6 बजे ट्रेन पकड़ के वापस। तो मेरा घर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मैं जाता हूँ और मैं एक दिन में बड़े आराम से आ जाता हूँ। बट इस बार जो है मेरा प्रोग्राम 2-3 दिन का है, क्योंकि मैं शिवगुड़ी भी जाना है और पहली बार वहाँ पे मैं कटरा में रात को रुकूंगा और आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा, चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे वो यात्रा पर्ची का हो, चाहे RFID कार्ड का हो, और किस तरह से हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं ताकि हमें रश कम से कम मिले। तो मैं तो अपनी यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, तो अगर आपकी भी एक्साइटमेंट जाग रही है और आप भी आने वाले हैं बहुत ही यात्रा के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, अदरवाइज आप जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और मेरा द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और हाँ बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए इन्फॉर्मेटिव किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, यात्रा को लेकर, तो उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो अपना ख्याल रखिएगा, जय माता दी।